सरकारी सरकार के लोगों के माध्यम से, सरकार के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, आरएसएस बीजेपी और कांग्रेस के माध्यम से होता रहा। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, संविधान को लागू नहीं होने दिया और सरकार बदलने के बाद बीजेपी आती है और उनके मंत्री आते हैं और सरकार में किया है ताकि संविधान बदल सके और संविधान जब बदलेगा तभी देश में हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि संविधान कहता है कि समता मूलक समाज का निर्माण होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको नौकरी करने का अधिकार है, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है और इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व स्थापित होना चाहिए जो बुद्धा ने दिया। साथियों, आप तमाम लोग मेरी बात के महत्व को समझेंगे, हमारी जो तड़प है उसको समझेंगे, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं और अपनी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को निभाते हैं तो इस देश में सामाजिक आंदोलन मजबूत होगा और अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम एहसान फरामोश लोगों में हमारा नाम शामिल होगा। हम जब बहुजन मीडिया के नाम से जब काम करना शुरू किए तो इसके पहले जब हम मीडिया के बारे में देखा तो मीडिया के अंदर ऐसा हमने देखा कि मीडिया जो है एक वर्चस्ववादी कल्चर को चला रहा है। जिस विमर्श के लिए बहुजन समाज तैयार होना चाहिए, मीडिया उस विमर्श के लिए बहुजन समाज को तैयार नहीं होने देना चाहता। गलत प्रोपोगंडा करना, गलत खबरें चलाना और इतना ही नहीं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर होने वाले अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न की खबरों को छुपाने का काम इस देश की मीडिया ने, जिसे आप मेन स्ट्रीम का कहते हैं, जो रिमोट लेकर आप बैठते हैं घर में और चैनल बदलते हैं, उन खबरों को जब आप देखते हैं, उन खबरों को देखते हैं, लेकिन वहां पर आप ही खबर नहीं होती है, आपका टीवी है, आपका रिमोट है, आप ही केबल लगाए हैं, आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन खबर आपकी नहीं चल रही। और फिर हमने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम समाज को कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि माननीय कांशीराम साहब कहते हैं कि आपको देने वाला बनना पड़ेगा, पेबैक टू सोसाइटी भी आपको करना पड़ेगा, तो आपको देना पड़ेगा, क्या दोगे? तो हमको लगा कि हमें थोड़ा सी अकल है, हालांकि हम आर्थिक स्थिति से कमजोर है तो हम पैसा तो नहीं दे पाएंगे, तो हमारे पास अकल है, अकल का इस्तेमाल करके जो खबरें आपकी नहीं चलती है, जो खबरें आपकी नहीं दिखाई जाती है, जो एक्टिविटी समाज के अंदर हो रही है, जो पॉजिटिव एक्टिविटी हो रही है वो भी नहीं दिखाई जा रही है, जो उत्पीड़न हो रहा है वो भी नहीं दिखाया जा रहा है, हमने सोचा क्यों ना इसका बीड़ा हम उठाए, हम क्यों ना उठाए, क्योंकि जब उत्पीड़न हो रहा था और तब हमको लगता था कि इस उत्पीड़न को खबर का रूप मिलना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए ताकि उसमें चर्चा हो, विमर्श हो और फिर उसे न्याय मिले। तो हम क्योंकि बाबा साहब कह रहे, मैं नहीं कह रही, बाबा साहब कह रहे कि इतिहास को पढ़ लो, क्योंकि इतिहास को अगर आप पढ़ोगे तो आप अपना वर्तमान सुधार लोगे, वर्तमान सुधार लोगे तो भविष्य अच्छा बन जाएगा, और इसीलिए बाबा साहब कहते हैं इतिहास पढ़ लो, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता, जो समाज, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते, वो अगर इतिहास नहीं जानेंगे तो वो भविष्य में कोई इतिहास निर्माण नहीं कर पाएंगे और अपने अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ दे नहीं पाएंगे जिससे प्रेरणा मिले। इतिहास से सबक भी सीखना होता है और अगर इतिहास से हम सबक नहीं सीखेंगे, इतिहास से हमें प्रेरणा नहीं लेंगे तो इतिहास हमें सबक सिखाना, ये तमाम पत्रकारिता का क्या दर्द है, क्या मूल है, क्योंकि हम तो इंजीनियर है, हमारे साथी जो है तमाम लोग जो है पत्रकारिता से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आपके बीच पराग है, पराग भी पत्रकार है, लेकिन पत्रकार का दर्द क्या है, उसमें क्या खास चीजें होती है वो हम सीखे नहीं, हम अभी अनपढ़ गवार पत्रकार है। हमारे साथी है संगीत, वो भी पढ़े लिखे हैं लेकिन पत्रकारिता का कुछ नहीं जानते। तो आज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महामानवों को अभिवादन करते हुए और खासकर इस देश के अंदर समता मूलक समाज का निर्माण करने के लिए जिन्होंने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का संदेश दिया, ऐसे करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के दुख मुक्ति के सिद्धांत को लेकर इस देश के अंदर अपने वाणी से जाति भेद को, भेदभाव पर जिन्होंने प्रबोधन किया, ऐसे तमाम संत, संत रविदास, संत कबीर, संत घासीदास, इन्हें अभिवादन करती। इसी के साथ साथ जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के आंदोलन को अपना आंदोलन माना और समता मूलक समाज की रचना के लिए एक स्वराज की स्थापना की, ऐसी राष्ट्रमाता, राजमाता जिजाऊ मां साहब, उनके बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके पोते छत्रपति संभाजी महाराज,
इस देश के अंदर अशिक्षा अज्ञान को दूर करने का कारवा जिन्होंने अपने हाथ में लिया, ऐसे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिराव फुले, उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण देने वाले आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, इस देश को संविधान देने वाले और तमाम 108 महापुरुषों के कारवा को एक संवैधानिक किताब बनकर आपके आप और हमारे हक अधिकारों को बहाल करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इस देश के अंदर जिन जिन महापुरुषों ने काम किया, जो गर्भ में चले गए थे उन्हें बाहर निकालने का जिन्होंने काम किया, ऐसे बहुजन नायक माननीय कांचीराम साहब, तमाम महानुभावों को अभिवादन करती हूँ। आप तमाम लोगों के बीच आज हम भिलाई के अंदर इस समाज भवन में आपसे रूबरू हो रहे हैं। माता रमाई इनके जयंती का ये मौका है, साथियों ये पहला मौका है कि मैंने देखा कि रमाई जयंती को महत्व अब दिया जा रहा है। अब तक जो है वो सावित्रीबाई फुले कहो या महिला महानायिकाओं को देखो तो उनकी जयंतियों को काफी ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा, और उनको उनकी जयंतियों को कहो या फिर जो भी प्रेरणा दिन आते ऐसे लोगों को नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे ये सोशल मूवमेंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे आंदोलन पहुंच रहा है, तो लोगों में जागृति आ रही है और महामानवों की जयंती के साथ साथ हमारी महानायिकाओं को भी अब हम याद करने लगे हैं। लेकिन ये याद क्यों करते हैं, और जब याद करते हैं तो हमारी ट्रेडिशन है, क्या ट्रेडिशन है, हमारी संस्कृति हमने बनाई, अपना कल्चर हमने बनाया कि जब भी ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर हमारे महानायकों का जन्म हुआ, जिस दिन पर हुआ हमारे महानायिकाओं को जिस दिन पर उनका जन्म हुआ, तो उन्हें हम सेलिब्रेशन करते हैं, हमारे कल्चर हमने डेवलप किया। वो कल्चर क्या डेवलप किया, वो कल्चर हमने प्रबोधन का कल्चर डेवलप किया, और इस कल्चर से क्या हो रहा है, समाज के अंदर प्रबोधन होना चाहिए, इसी मकसद से ये कल्चर डेवलप हुआ और ऐसी संगोष्ठियों का आयोजन होने लगा। तो ये प्रबोधन करना क्यों जरूरी है, क्यों हमने बात करनी चाहिए, क्यों हमने विमर्श करना चाहिए, क्यों हमने चर्चा करनी चाहिए। इस देश के अंदर बाबा साहब ने संविधान दिया, संविधान जो है उसका मूल जो गर्भ है वो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में क्या होता है, जो वोट डालने वाले लोग होते हैं, मैं विषय पर भी आऊंगी, जो लोग वोट डालने वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति निर्माण ना हो, तो ज्यादा संख्या वाले जो लोग हैं जो सोचने समझने की शक्ति नहीं रखते वो गलत लोगों को चुनकर दे सकते हैं, और इसीलिए जहां पर लोकतंत्र होता है वहां विमर्श करने की आजादी होती है, और हम इसीलिए विमर्श करते हैं, इसीलिए हम चर्चाएं करते हैं ताकि हमारा लोकतंत्र सफल हो सके, और उसको प्रभावी बनाने के लिए लगातार पूरे देश के अंदर जो जो भी लोग बहुजनों के हितों की बात करते हैं, बहुजनों की सुखों की बात करते हैं, बुद्धा के सिद्धांत को पिरोने की बात करते हैं, वो प्रबोधन पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि बुद्ध ने प्रबोधन के कल्चर को डेवलप किया। बुद्धा को लगा कि मेरे पास जो ज्ञान है, मेरी जो बात है, वो बात सही है या गलत है, ये कब पता चलेगी, जब इसे कोई तीसरा सुनेगा समझेगा, और फिर वो अपने विवेक बुद्धि से बताएगा कि ये बात थोड़ी अच्छी है, ये बात तो अच्छी नहीं है। तो बुद्धा ने इसको विमर्श को बड़ा स्वरूप दिया, और इसके लिए उन्होंने लोग तैयार किए जिसे भिक्षु संघ कहते हैं, और भिक्षु संघ जो है वो लगातार समाज के अंदर बुद्धा के विचारों को लेकर जाने लगा, सदाचार को बताने लगा, और तब जाकर ये प्रभावी हुआ जब विमर्श हुआ लोगों के अंदर, अरे हाँ जो बुद्धा के जो लोग आते हैं, बुद्धा के अनुयायी आते हैं, भिक्षु संघ जो आता है, वो जो बात कर रहे हैं वो बात सही है गलत है, या इस बात से समाज का निर्माण हो सकता है या नहीं हो सकता, इतिहास गवाह है। बुद्धा के सिद्धांत से, बाबा साहब कहते हैं कि बुद्धा के सिद्धांत से, बुद्धा के काम से इस देश के अंदर अनेकों क्रांतियां हुई, सामाजिक परिवर्तन हुआ। बाबा साहब लिख रहे हैं कि बुद्धा की क्रांति से सामाजिक परिवर्तन हुआ, इसके पहले बाबा साहब कहते हैं कि सिर्फ धार्मिक परिवर्तन नहीं हुआ, धार्मिक ही आजादी नहीं मिली, धार्मिक क्रांति ही नहीं हुई, बुद्धा की क्रांति से धार्मिक क्रांति के साथ साथ सामाजिक बदलाव हुआ, राजनीतिक बदलाव हुआ, जिन लोगों को अधिकार नहीं थे उन लोगों में चेतना निर्माण हुई, और उन्होंने राजपाट अपने हाथ में लेने का सोचा,
तो बाबा साहब लिख रहे हैं कि कई शूद्र जो है वो राजा हुए। तो बुद्धा ने ये राजा बनने का, जो गुलाम रहे, जिनको खाने पीने की सुतने कपड़े पहनने की अकल नहीं, उनको ज्ञान देकर बुद्धा ने सिर्फ इंसान नहीं बनाया, राजपाट हासिल करने तक का बुद्धा ने जो है प्रबोधन किया। और ये क्यों हुआ? सिर्फ विमर्श से हुआ। और इसी विमर्श पर आज हम लोग भी इसी विमर्श पर, इसी कल्चर पर हम काम कर रहे हैं। और आज माता रमाई इनके जयंती के मौके पर मैं आपके बीच आई हूँ। साथ ही आपसे मैं माफी चाहूंगी क्योंकि आपका शेड्यूल मेरी वजह से बिगड़ गया। मेरी बच्ची को रात को बुखार आया और हमारा जो दिमाग का शेड्यूल था वो भी हमारा भी बिगड़ गया। हमें ही नहीं समझ रहा था कि कैसे करें। हम लोग तो कल ही आने वाले थे लेकिन हमारा वो भी नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगी कि आप तमाम लोगों के बीच हम लोग काफी देरी से पहुंचे और आपके कार्यक्रम को भी विलम्ब हुआ। हम लोग लखनऊ रहते हैं, साथ ही लखनऊ हम लोग इसके पहले तो महाराष्ट्र में नहीं रहते थे, लेकिन हम जब बहुजन मीडिया के नाम से जब काम करना शुरू किए तो इसके पहले जब हम मीडिया के बारे में देखा तो मीडिया के अंदर ऐसा हमने देखा कि मीडिया जो है एक वर्चस्ववादी कल्चर को चला रहा है। जिस विमर्श के लिए बहुजन समाज तैयार होना चाहिए, मीडिया उस विमर्श के लिए बहुजन समाज को तैयार नहीं होने देना चाहता। गलत प्रोपेगेंडा करना, गलत खबरें चलाना और इतना ही नहीं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर होने वाले अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न की खबरों को छुपाने का काम इस देश की मीडिया ने, जिसे आप मेनस्ट्रीम का कहते हैं, जो रिमोट लेकर आप बैठते हैं घर में और चैनल बदलते हैं, उन खबरों को जब आप देखते हैं, उन खबरों को देखते हैं, लेकिन वहां पर आपकी खबर नहीं होती है। आपका टीवी है, आपका रिमोट है, आप ही केबल लगाए हैं, आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन खबर आपकी नहीं चल रही। ये तो बड़ा मीडिया है, दलित आदिवासियों की खबर क्यों चलाएगा? उसको उससे प्यार की नहीं पड़ती है। ओबीसी की खबर क्यों चलाएगा? वो नहीं चलाएगी। जब हम अखबारों का देखते हैं, अखबारों का जब हमने सोचा कि चलो अखबारों में कहीं हमारी राय हो, तो अगर वो अखबार छोटा है और उसे कोई दलित समाज का या ओबीसी समाज का व्यक्ति चला रहा है जिसकी ज्यादा रीच नहीं है, एक आध जिले में चल रहा है, वहां पर हमारी खबरें दिख रही है, लेकिन वही बड़े अखबारों को अगर आप देखें तो उस अखबारों में आपकी खबर नहीं है। चाहे फिर जब तक वो मान लो अगर फैला ही जैसा हमारे भंडारा में फैला ही जैसा हत्याकांड होता है तो उसे कई दिनों तक कवरेज नहीं मिलता, जब तक लोग जो है उग्र ना हो जाए, जब तक लोगों का विद्रोह ना बढ़े, तब तक खबरें जो है वो अखबार कहो या मीडिया कहो तब तक नहीं चला। तो इस प्रकार से जिस प्रकार जातिवाद का जो अंश है कहीं ना कहीं हमको मीडिया में नजर आया। और फिर हमने ठाना कि हम क्या कर सकते हैं, हम समाज को कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि माननीय कांचीराम साहब कहते हैं कि आपको देने वाला बनना पड़ेगा, पेबैक टू सोसाइटी भी आपको करना पड़ेगा, तो आपको देना पड़ेगा, क्या दोगे? तो हमको लगा कि हमें थोड़ा सी अकल है, हालांकि हम आर्थिक स्थिति से कमजोर है तो हम पैसा तो नहीं दे पाएंगे, तो हमारे पास अकल है। अकल का इस्तेमाल करके जो खबरें आपकी नहीं चलती है, जो खबरें आपकी नहीं दिखाई जाती है, जो एक्टिविटी समाज के अंदर हो रही है, जो पॉजिटिव एक्टिविटी हो रही है वो भी नहीं दिखाई जा रही है, जो उत्पीड़न हो रहा है वो भी नहीं दिखाया जा रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना इसका बीड़ा हम उठाए, हम क्यों ना उठाए, क्योंकि जब उत्पीड़न हो रहा था और तब हमको लगता था कि इस उत्पीड़न को खबर का रूप मिलना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए ताकि उसपे चर्चा हो, विमर्श हो और फिर उसे न्याय मिले। तो हम हमेशा फोन लगा देते थे, कहा दलित दस्तक, नेशनल दस्तक, कहा बैठे ये लोग? दिल्ली में बैठे, बहुजन समाज के बड़े चैनल। लेकिन जब हम उनको फोन करते तो फोन उनका लग नहीं पाता। जब हमने पूछा, जब हम मिले तो हमने पूछा कि शंभु भाई आप बड़े बहुजन समाज की बात करते हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ उत्पीड़न होता है हम आपको फोन करते हैं, आपका फोन नहीं लगता, आप फोन नहीं उठाते। तो कहते हैं कि मुझे एक दिन में कम से कम हजारों फोन आते हैं, मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। क्या कह रहे नेशनल दस्तक वाले? मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा क्योंकि मुझे हजारों फोन आते हैं और मैं एक आदमी हूँ, मेरे पास ज्यादा साधन संसाधन नहीं है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में देवरी में अगर कोई घटना घट रही है, आदिवासी लड़की के साथ कुछ हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उस खबर को बताने के लिए मैं दिल्ली से यहाँ तक आ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास साधन संसाधन की कमी है, मैं अकेला काम नहीं कर सकता, मेरे जैसे और लोग होने चाहिए। जब हम और भी जो बहुजन समाज के चैनल से हमसे बात करते तो यही हमको समझ आया कि सभी बहुजन
आज का जो मीडिया है उसके पास क्या है, साधन संसाधन नहीं है। वो कम पैसों में काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं। आपके सामने देखिए हमारा मोबाइल चल रहा है, छोटा सा माइक लगा हुआ है। तो इन्हीं कम साधन संसाधन में तमाम लोग जो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, जिसे बहुजन मीडिया कह रहे हैं, तमाम लोग काम कर रहे हैं। हमको भी लगा हम भी इन छोटे संसाधन में काम करें, तो हमने अपना अपना काम छोड़ दिया, जिस रोजी रोटी का काम है उसको छोड़ दिया और हमको लगा कि इस मीडिया में आ जाए। और इसीलिए हम साथियों मीडिया में काम कर रहे हैं। जब मीडिया में काम करने लगे तो हमारे साथ भी उत्पीड़न होने लगा। जब आप दलित एक्टिविस्ट करके जाते हो या दलितों के पत्रकार बनकर जाते हो, बहुजन समाज की आवाज बनकर आप जब जाते हैं, तो वहां पर भी उत्पीड़न होता है। एसपी जो है, अगर कोई बड़े अखबार का बड़े टीवी चैनल का पत्रकार जाए तो उसे पार्टी देता है, बियर बार बिठाता है और उसको बताता है कैसे मैनिपुलेट करना है खबरों को। लेकिन हमें तो पुलिस स्टेशन में खबर ही नहीं बताई जाती, हमारे साथ बर्ताव ही ठीक नहीं होता। तो हमको ये लगा कि इसके क्या एथिक्स है, पत्रकारिता का क्या गर्व है, क्या मूल है, क्योंकि हम तो इंजीनियर है। हमारे साथी जो है, तमाम लोग जो है, अभी पत्रकारिता से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आपके बीच पराग है, पराग भी पत्रकार है, लेकिन पत्रकार का गर्व क्या है, उसमें क्या खास चीजें होती है, वो हम सीखे नहीं। हम अभी अनपढ़ गवार पत्रकार है। हमारे साथी है संदीप, वो भी पढ़े लिखे हैं लेकिन पत्रकारिता का कुछ नहीं जाना। तो इसीलिए हमने ठाना कि हम अब पत्रकारिता जो है उसे वापस सीखना शुरू करेंगे। कैसे की जाती है, क्या चीजें होती है, उन तमाम चीजों को सीखने के लिए हमने अपनी जो जिंदगी है वो स्टॉप रखा दी है एक जगह, और सारा बोरिया बिस्तर लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शिफ्ट हो गए। और वहां पर अभी मैं पत्रकारिता पढ़ रही हूँ, पीजी की स्टूडेंट हूँ। और मेरे बाद जो है पराग जाएगा, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और काफी कम लोगों का नंबर रहता है, हमारा लग गया। और बच्ची छोटी है, उसके बाद भी हम जो है सारा छोड़ छाड़ कर बाहर निकल लिए हैं। और इसीलिए हम आपके बीच जो है लखनऊ से आए, और आप तमाम लोगों ने हमको मौका दिया। इसलिए बता रही थी क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं तो हम भी कम संसाधन में काम कर रहे हैं, और जो ट्रैवलिंग है हमारा काफी होता है। और आप कल ही बनारस से लौटे, सारनाथ से लौटे हैं, उसके बाद बच्ची का भी ये सब चीजें होती है, इसलिए आपको दिक्कत हो गई और हम तो सफर करते ही रहेंगे। तो आज आपने हमको बुलाया, कहा विषय जो है बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में महिलाओं का योगदान, इस विषय पर बात करना है। रमाई जयंती के मौके पर हम इस पर विमर्श करें। जब हम किसी भी विषय पर विमर्श करते हैं तो हमारे टूल्स और हमारे हथियार क्या होते हैं, हम किस चीजों का इस्तेमाल करेंगे प्रबोधन करने के लिए, क्या साधन संसाधन होंगे, क्या मीडिया हो, क्या मीडियम होगा। तो हमारे बीच साधन संसाधन या मीडियम क्या है, माध्यम क्या है, तो हमारा हिस्ट्री जो होता है, हमारा इतिहास जो होता है, वो हमारा माध्यम है। क्योंकि बाबा साहब कह रहे, मैं नहीं कह रही, बाबा साहब कह रहे कि इतिहास को पढ़ लो, क्योंकि इतिहास को अगर आप पढ़ोगे तो आप अपना वर्तमान सुधार लोगे तो भविष्य अच्छा बन जाएगा। और इसीलिए बाबा साहब कहते हैं इतिहास पढ़ लो, जो वो अपना इतिहास नहीं जानता, जो समाज, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते, वो अगर इतिहास नहीं जानेंगे तो वो भविष्य में कोई इतिहास निर्माण नहीं कर पाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ दे नहीं पाएंगे जिससे प्रेरणा मिले। इतिहास से सबक भी सीखना होता है, और अगर इतिहास से हम सबक नहीं सीखेंगे, इतिहास से हमें प्रेरणा नहीं लेंगे, तो इतिहास हमें सबक सिखाता है। ये तमाम हमारे मानायक कह करते हैं, और इसीलिए हमारी भी प्राथमिक जिम्मेदारी कि अपने इतिहास से समझें। तो अगर हम अपने इतिहास में देखें तो हमारी महिलाओं की जड़ें कहाँ हैं, हम कहाँ से आई हैं, हमारी उत्पत्ति हुई है तो उत्पत्ति होने के पीछे जिन धर्म शास्त्रों को मानते हैं देश के अंदर, जिसे हम ये कह सकते हैं क्योंकि देश के अंदर कहा जाता है हिंदू राष्ट्र, कहा जा रहा है हम नहीं मानते, कह रहे हैं लोग, आपने भी सुना होगा, तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र के लिए लगातार जो है देश की सरकार प्रयास कर रही है। तो हम अपनी जड़ें ढूंढ रहे हैं हिंदू राष्ट्र में, हिंदू धर्म में। जब हम देख रहे हैं कि हमारी जड़ें कहाँ हैं, कहाँ से निर्माण हुआ, कहाँ से कैसी निर्मिति हुई, तो हमें ब्रह्मा जी मिलते हैं, ब्रह्मा वर्ण व्यवस्था बनाते हैं और वर्ण व्यवस्था में वो बताते ही नहीं महिला कहाँ से, हम भूल रहे हैं सवालों का जवाब। वर्ण व्यवस्था बनाते हैं, वर्ण व्यवस्था में बताते ही नहीं महिला कहाँ से, वो बताते हैं कि ब्राह्मण
कहां से आया है ना, उन्होंने बताया ब्राह्मण कहां से आया, उन्होंने ये बताया क्षत्रिय कहां से आया, उन्होंने क्या बताया वैश्य कहां से आया, और शूद्र से शूद्र जो है पैर से पैदा हो गए, लेकिन महिला कहां से आई नहीं पता चला। फिर और जब इतिहास को खोजना हमने शुरू किया तो हमको ऐसे ऐसे सबूत मिले कि महिला ताड़न की अधिकारी है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न की अधिकारी, गोस्वामी तुलसीदास दुबे इन्होंने लिखी। जब हम अपना इतिहास ढूंढ रहे, हमारी जड़े जब हम ढूंढ रहे थे तो हमको ये मिला कि वो क्या कह रहे हैं कि आप ताड़न की अधिकारी है, तो ये नहीं समझ आया। एक तो हमारा अस्तित्व नहीं है, ब्रह्मा के हिसाब से हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम कहां से पैदा हुई, हमको मन है, बुद्ध ने बताया कि मन है आपके, आपको मन है, आपको हार्ट होता है, आपको दुख होता है, आपको अच्छा लगता है, ये बुद्ध ने बताया। लेकिन वही जिसे इस देश का धर्म कह रहे हैं वो धर्म नहीं बता पा रहा, वो फेल हो गया आपका आंसर देने में, इस देश का सनातन धर्म फेल हो गया कि महिला कहां से। लेकिन बुद्ध ने महिला को इंसान माना, बुद्ध ने बताया कि सभी इंसान है, महिला पुरुष दोनों बराबर है, दोनों को मन है, दोनों ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक क्रांति कर सकते हैं, दोनों जीवन ग्रहण कर सकते हैं, दोनों प्रबोधन कर सकते हैं, दोनों इतिहास बना सकते हैं। पहला मौका बुद्धा ने दिया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा कि महिला क्या है ताड़न की अधिकारी। इतना ही नहीं कहा, धर्मशास्त्र में तो ये भी कहा नारी नरक का द्वार है, क्या कहा नारी नरक का द्वार है। तो मतलब हम इतना अपना, जब हम अपना अस्तित्व ढूंढने लगे तो हमें गालियां मिली है, उल्टा महिला को कहने वाली मनुस्मृति यहाँ पर देश के अंदर आज भी राजस्थान में मनु के नाम मनु का पुतला है और आज भी उसकी पूजा की जाती है कई जगहों पर। IIT जैसे मुंबई के IIT में मनु के नाम का हॉल है, ऑडिटोरियम हॉल, जिस मनु ने क्या कहा महिलाएं क्या है उल्टा है। IIT बॉम्बे में क्या लड़कियां नहीं पढ़ती होगी, क्या महिलाएं नहीं पढ़ी होगी वहां से, कई सालों से बना हुआ। लेकिन हम महिलाएं जो है हमको उल्टा कहने वाला जो मनु है ना, उसका विरोध राजस्थान में किया गया आज तक, ना ही IIT मुंबई की वेल एजुकेटेड महिलाओं ने किया होगा कि क्यों मनु के किसी हॉल को मनु का नाम क्यों दिया है। और क्या कहा धर्मशास्त्र ने महिलाओं को लेकर कहा कि इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चरित्रहीन होती है। धर्मशास्त्र में जब हम अपनी जड़ें ढूंढ रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना है सिवाय अपने अपमान के, हमें कुछ नहीं मिल रहा। और बाबा साहब की अगर हम विचारों की बात करें तो बाबा साहब ने कहा इस देश के अंदर किसी भी समाज की प्रगति को अगर आंकना है तो उसका मापदंड क्या होना चाहिए, ये बाबा साहब ने बताया, उसका मापदंड होना चाहिए कि महिलाएं कितनी प्रगत है, महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी है, महिलाएं कितनी सक्षम है, महिलाएं कितनी सशक्त है, महिलाएं कितनी ताकतवर है। उसके भरोसे पर हम ये कह सकते हैं कि ये समाज प्रगतिशील है, ये समाज ताकतवर है, ये समाज जो है वो सक्षम हो गया है, सशक्त हो गया है। आज देश के अंदर सक्षमीकरण सशक्तिकरण के नाम पर कई योजनाएं चल रही हैं, कई पैसा बर्बाद किया जा रहा है, क्या वहां पर वो जो पैसा बर्बाद हो रहा है उससे महिलाएं सशक्त और सक्षम हो रही हैं। अगर अब हम सोशल एक्टिविस्ट है तो भाषण देने के लिए बड़े बुलाए थे, तो जब हमने देखा तो सरकारी जो कार्यक्रम है वो सरकारी कार्यक्रम कर क्या रहे हैं, तो वो हिंदू कल्चर को एडॉप्ट करके हिंदू कल्चर को महिलाओं के अंदर डालने के लिए सरकारी पैसों का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म की रीति रिवाजों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी पैसों का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें भी महिलाओं को कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, महिलाओं को सशक्त नहीं बनाया जा रहा है। क्या बनाया, क्या किया जा रहा है, उन्हें हल्दी कुमकुम लगाना सिखाया जा रहा है, और हल्दी कुमकुम के कार्यक्रमों में महिलाएं जो है वो अपने पति के लंबी उम्र के बाद के लिए वो महिलाएं वहां पर आ गई। ये सशक्त हो रहा है, ये सशक्तिकरण का काम है नहीं, ये महिलाओं को गुलामी की तरफ ले जाने के लिए ही सरकार जो है सशक्तिकरण के नाम पर पैसा खर्चा कर रहे हैं। इस देश के अंदर जब जब आप व्यवस्था को पढ़ेंगे
तो महिलाओं को सशक्त या फिर ताकतवर बनाने के लिए जिन जिन लोगों का नाम आज की तारीख में आता है, अपने आप को नारीवादी कहते हैं, अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं, बड़ी एक नया कल्चर चल रहा है फेमिनिज्म का, नारीवाद का कल्चर चल रहा है, लेकिन उस नारीवाद में बाबा साहब अम्बेडकर को कहीं भी दिखाया नहीं जाता, उन्हें ध्यान नहीं दिया जाता, जगह नहीं दी जाती। महात्मा ज्योतिराव फुले को भी नारीवादी के तौर पर नहीं देखा जाता, चलिए छोड़िए दोनों पुरुष हैं, लेकिन सावित्रीबाई फुले को भी नारीवादी आंदोलन की तरफ उन्हें देखा नहीं जाता। तो उनके नारीवाद के जो है, नारीवाद के आइकन कुछ और है, कोई और है। नारीवाद के आइकन सरस्वती को मानते हैं, सोचिए जिन्होंने कोई स्कूल नहीं खोला, तो उन्होंने अपने आइकन बदल दिए। लेकिन जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तब हमें यह समझ आता है कि इस देश में महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम किसी ने किया तो वो तथागत बुद्ध से शुरू हुआ। तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ में सबसे पहले प्रजापति गौतमी को शामिल किया और उसके बाद उनके नेतृत्व में 500 महिलाओं ने भिक्षुणी संघ में उन्होंने प्रवेश किया और कासाय वस्त्र धारण करके बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम किया, प्रबोधन करने के लिए काम किया। तो यहाँ हमारी जड़े है कि हम आध्यात्मिक भी क्रांति कर सकते हैं, हम सामाजिक क्रांति भी कर सकते हैं और इस देश के अंदर ज्ञानार्जन करके सवाल भी पूछ सकते हैं। जेएनयू के एक प्रोफेसर है, उनका भाषण हुआ अमेरिका में, तो उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि महिलाएं जो है शादी के बाद अपने आप को गुलाम महसूस करती हैं। जेएनयू के प्रोफेसर का बड़ा बयान है, वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में कहते हैं हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो उसकी जैसे ही शादी होती है तो शादी के बाद वो अपने आप को अपमानित महसूस करती हैं। और ये कहां होता है, जहां पर शिक्षा की कमी है। बाबा साहब ने क्या कहा, महिलाएं जो है वो अगर शिक्षित हो जाए, वो अगर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो वो जिंदगी में कभी अपमानित महसूस नहीं होगी। देखिए जवाब बाबा साहब पहले ही देकर चले गए, लेकिन सवाल हमने ढूंढने की कोशिश नहीं किए, इसलिए आज दिक्कतें बढ़ रही है। हमें सबरीमाला में मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, इसका आंदोलन हम कर रहे हैं। और महिलाएं इतनी ताकतवर है कि सबरीमाला के अंदर जो अयप्पा बैठा हुआ है उसकी ताकत हमारे जाने से कम हो जाती है, तो हम कितनी ताकतवर होंगे। लेकिन हमको ये नहीं जानना कि हम ताकतवर हैं, हमको ये जानना कि मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया जाए। लेकिन आज भी हम बड़े विश्वविद्यालय में, जिसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कहते हैं, जिन्हें सरकारी पैसों से चलाया जाता है, जहां ब्राह्मणवाद का बोलबाला है और हमारी सीटें रिजर्व रहती है, वहां हमारी लड़कियां नहीं पहुंच रही है, उसके लिए आंदोलन नहीं छेड़ा जाए। कहां छेड़ा जाए, शनि मंदिर में घुसने दो, शनि मंदिर में जाने दो, सबरीमाला में जाने दो, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी जगह खाली है, उन सीटों को एससी शेड्यूल कास्ट की तो खाली है, आदिवासी तो मिल ही नहीं, बस इतनी सीटें खाली और हम कहां परेशान है, अपने शहर में परेशान है, एडमिशन नहीं मिल रही। और जहां सरकारी पैसों से खर्चा चल रहा है वहां सवर्णों के बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग नहीं पढ़ रहे। महिलाओं के आंदोलन, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस देश के अंदर अगर किसी ने काम किया, सबसे पहले जब महिला चार दीवारी में रहती थी, पढ़ने लिखने का कोई गर्व नहीं था, तो पहला विचार अगर किसी ने रखा तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा। बाबा साहब अम्बेडकर को लगा कि सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले और फातिमा शेख, इन्होंने जो आंदोलन चलाया इससे संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से ये जो सपना है साकार होना चाहिए, इसके लिए बाबा साहब ने पहला आंदोलन छेड़ा और नारीवादी के तौर पर बाबा साहब ने महिलाओं का नेतृत्व किया। एक पिता के तौर पर हमारे यहाँ एक पिता की भूमिका ये होती है, या फिर एक माता पिता की भूमिका यह होती है कि पैसा किस पर खर्चा करना है, पैसा, दो बच्चे हैं, पैसा किस पर खर्चा किया जाए, हम पहले ये सोचते हैं। क्योंकि अगर डॉक्टर बना रहे हैं दोनों को पैसा लग रहा है, तो अगर लड़का डॉक्टर बनेगा तो बाप का नाम रोशन होगा और पैसा घर में रहेगा, लड़की डॉक्टर बनेगी तो वो जो पैसा है कमाई का पैसा तो लग जाएगा, लेकिन जब बाद में इनपुट होगा, इनपुट तो हो जाएगा, जब आउटपुट आने का नाम होगा, आउटपुट होने का काम होगा, तो कहाँ होगा, हमारे घर नहीं होगा, वो तो अब दूसरे के घर जाएगी। ये सोचकर
हमारी ये सोच कर माँ बाप जो है बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लेते हैं आज की तारीख में भी, और ऐसा हमारे समाज में हो रहा है जहाँ पर बाबा साहब जैसे बड़े नारीवादी पैदा हुए। बाबा साहब ने महिलाओं के आंदोलन को छेड़ा, बाबा साहब के समय में एक आंदोलन चला, अखिल भारतीय महिला अधिवेशन हुआ, और उस अधिवेशन में एक दलित महिला नेता को बुलाया गया जिनका नाम जाईबाई चौधरी था। वो दलितों के लिए काम कर रही थी, महिला नेता थी। लेकिन जब अखिल भारतीय महिला अधिवेशन हो रहा था तो वहां पर जाईबाई चौधरी को बुलाया तो गया लेकिन उन्हें सम्मान नहीं दिया गया। अब हमको आपने बुलाया, हम मुझे कम से कम तो 10-15 लोगों ने खाने के लिए बोला, खाना खाया। लेकिन जब जाईबाई चौधरी गई, दलित नेता थी और अखिल भारतीय महिला संगठन है, तो ये जो महिला संगठन रहा ये सवर्णों का संगठन रहा। लेकिन दलित नेता को बुलाया, उन्हें खाने के लिए अपने साथ नहीं बिठाया। जब ये बात दलित महिलाओं को समझ आई तब उन्हें लगा कि उत्पीड़न हो रहा है। बाबा साहब से बातचीत करके महिलाओं ने ठहरा कि महिलाओं की समस्या इस प्रकार है कि हम महिलाओं में भी काम करें तो वहां सड़क से उत्पीड़न हो रहा है। तो बाबा साहब ने दलित जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था उसका एक विंग बनाया महिलाओं, और उस महिला विंग के बैनर तले बाबा साहब ने महिलाओं की कई सभाएं, महिलाओं का नेतृत्व किया और महिलाओं के छोटे छोटे सवालों पर काम किया। महिलाओं की सामाजिक समस्या रही है, महिलाओं के राजनीतिक समस्या भी रही है, लेकिन महिलाओं की पर्सनल समस्या भी रही, क्योंकि महिलाओं की इस देश के अंदर धर्म व्यवस्था ने, धर्मशास्त्रों ने जो लोग कह रहे हैं, जो लोगों की माने आज की तारीख में लोगों की माने, बहुमत की माने, तो उनके धर्मशास्त्रों में हमारा कुछ नहीं है, हमारी कोई जगह नहीं है। और अगर हम सार्वजनिक जीवन में भी आते हैं तो आज की तारीख में आ रहे हैं, लेकिन आप सोचिए जब सावित्रीबाई फुले ने काम किया, फातिमा शेख ने काम किया, या फिर बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे थे, उस समय महिलाओं की पर्सनल लाइफ भी नहीं थी। आप क्या सोचती है, आपका क्या ख्याल है, आपका क्या मानना है, कोई मतलब नहीं है। आज भी कहीं पर होता होगा, आप लोग तो अच्छे लोग हैं, तमाम आंदोलन में काम करने वाले लोग हैं, आपके साथ शायद ऐसा व्यवहार ना हुआ हो, लेकिन समाज में अगर आप देखेंगे तो होता है। शादी विवाह की बातों में कहना है, तुझे नहीं समझता चुप रहो, तुमको नहीं समझता चुप रहो, पत्नी से कहा जाता है, माँ से कहा जाता है। अगर कोई लेन देन की बात हो, पैसे की बात हो, अगर किसी ने पूछ लिया क्या बात हो गई, तुम बात नहीं करो, तुमको क्या समझता है, ये चीजें दिखने में बड़ी आसान ऐसी लगती है, छोटी सी चीजें क्या है इसमें, क्या है, सभी कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं, मम्मी तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं समझता, तुम क्या बताओगी, हमको समझता है, लगता क्या है, छोटी सी बात है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस देश के गण व्यवस्था की देन है, ये हमको जानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये जो देन है वो इस देश के धर्म ग्रंथों की देन है कि महिलाओं का सम्मान ना किया जाए, महिलाओं का सम्मान। अब जो महिलाएं जो है वो धार्मिक चीजों में जा रहा है, अब जो धार्मिक चीजों में जा रहा है मतलब बुद्धिस्ट हो गई वो महिलाएं नहीं बात करें, जो नॉन बुद्धिस्ट है उनकी, महिलाएं धर्मों में बड़ा विश्वास रखती है, भजन करेगी, सत्संग करेंगी, पूजा करेंगी, उपवास करेंगी, तमाम चीजें करेंगी, पूरा सारा कामकाज किसी को नहीं मालूम, लेकिन महिलाओं पूछ लो शादी से लेकर मैयत तक, अरे नहीं ये करने से ऐसा होता है, वो करने से वैसा, ये मत करो, ऐसा करो, हल्दी लगाओ, हल्दी के ऊपर फिर टीका लगाओ, फिर चंदन चढ़ाओ, फिर उसके ऊपर क्या करो, सिक्का लगाओ, मतलब हर चीज कौन बताएगा, महिलाएं बताएंगी। उन महिलाओं के धर्मशास्त्रों में क्या होना, ये अगर यज्ञ में बैठ रही है तो ये यज्ञ जो है वो अशुद्ध हो जाता है। नपुंसक जिस प्रकार से यज्ञ के सामने बैठा हुआ है, नपुंसक का बैठना और महिला का बैठना एक माना गया है, ये हमारे धर्मशास्त्रों ने कहा। लेकिन आज की तारीख में सारा धर्म का घोर बनाकर पीने वाली कौन है, हमारी महिलाएं हैं। शेड्यूल कास्ट में भी हमारी महिलाएं जो अपने आप को यहाँ पर बुद्धिस्ट भी बताती है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो बुद्धिस्ट होने के बाद भी ये तमाम नाटक जो है वो जारी रखते हैं। लेकिन बाबा साहब ने उसी समय महिलाओं को प्रबोधित किया, कहा कि अगर आप अपने बच्चों को
अच्छे संस्कार और अच्छा जीवन नहीं दे सकते, स्वाभिमान का जीवन नहीं दे सकते, तो बच्चों को पैदा मत करो, पेट में मारो। एक बाप बता रहा है अपने बच्चों को कि तुमको संघर्ष करना है स्वाभिमान के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के आंदोलन के लिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं तो अपने बच्चों को जन्म मत दो, क्योंकि तुम्हें भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिला, तुम्हारे बच्चों को भी नहीं मिलेगा। तो गुलाब और गुलाब बच्चों को पैदा करके करेगी क्या? तो ना करो। बाबा साहब ने माँ की, माँ बनकर माँ की भूमिका लेकर महिलाओं को समझा, और बाबा साहब के प्रबोधन से कई महिलाएं जो है वो नेतृत्व करने लगी। एक किताब लिखी गई नागपुर के अंदर, मीनाक्षी मूल, इन्होंने आमी पर इतिहास घड़ा हुआ, उसमें उन्होंने काफी सारे दस्तावेज दिए हैं बाबा साहब के साथ काम करने वाले। बाबा साहब के चौदार तलाक के आंदोलन में महिलाओं का सहभाग रहा। ये जो विंग चला, इस विंग से इतना प्रबोधन बढ़ा कि महिलाएं जो है वो बाबा साहब के चौदार तलाक के आंदोलन में महाराज में शामिल हुई। काराराम मंदिर के आंदोलन में महिलाएं शामिल हुई। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब के आंदोलन में सिर्फ पुरुष ही दिखाए, पिक्चरों में टीवी की बात अलग है, लेकिन जब लिखने वाले जो लोग हैं, इतिहास जिन्होंने लिखा है, वो जेल भरो आंदोलन उन्होंने किया, तो जेल भरो आंदोलन में महिलाएं शामिल थी। तो महिलाओं ने बुद्धा के काल से लेकर महिलाएं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के मूवमेंट में, प्रबोधन के मूवमेंट में, विमर्श के मूवमेंट में हमेशा से इनका सहभाग रहा है। जब हम अब आज की तारीख में देख रहे, वर्तमान में देखते हैं, तो महिलाओं का जो सहभाग है वो पर्सनल ज्यादा हो गया है। मेरा घर, मेरा बिल्डिंग, मेरा सातबारा, मेरा प्लॉट, मेरा फ्लैट, हमारा क्या हो गया? जिन महिलाओं को पर्सनल लाइफ नहीं दिया, इस देश की धर्म व्यवस्था ने, मनुस्मृति ने, रामचरितमानस ने, जिन धर्म ग्रंथों की बात कर रहे, जिन धर्म की बात कर, उन्होंने पर्सनल लाइफ नहीं दिया। बाबा साहब ने सब कुछ दिया, अब उन महिलाओं का काम ये था कि जिन जिन को पर्सनल लाइफ के साथ साथ सोशल लाइफ मिली, पॉलिटिकल लाइफ मिली, उनका ये काम था कि जिनको नहीं मिली उनको भी लेकर, उनको उनकी पर्सनल मतलब कि अपना सामाजिक जीवन में प्रवेश करवाओ, उनको जो धर्म कर्म कांड से बाहर निकालो। लेकिन हमने मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा वो, ये मेरा है, ये ऐसा है, इसमें पर्दे ऐसे लगेंगे, ये कमरा है, ये लिविंग रूम है, ये ड्राइंग रूम है, हमको तो पता ही नहीं तो भैया छोटे से कमरे में रहते हैं यूपी के अंदर, तो हमको नहीं पता है कितनी रूम होती है। लेकिन एक महाशय, अभी नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने लिखा ब्राह्मणों के 6 रूम होने चाहिए, 4 रूम होने चाहिए। हाँ, ब्राह्मणों के घर अगर बनते हैं तो उनके 4 रूम होने चाहिए, अगर क्षत्रियों के बनते हैं तो 3 होने चाहिए, वैश्यों के बनते हैं तो 3 होने चाहिए, शूद्र के बनते हैं तो 2 ही होने। सरकारी योजनाएं चलती है 2 कमरों के पक्के मकान, किसको? आदिवासी और दलितों को। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण महाशय लिखकर गए हैं कि दलितों के और जो भी अछूत है, जो वर्ण व्यवस्था से बाहर है, उनके कमरे 2 कमरों के होने चाहिए। 2 कमरों के पक्के मकान सरकार देते हैं क्योंकि व्यवस्था ने कहा कि तुमको 2 कमरों के मकान में रहना है। लेकिन बाबा साहब के संविधान की वजह से आज हम बिल्डिंग बनाने के काबिल बने हैं, लेकिन हम अपने पर्सनल लाइफ से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो हमें अब ये निकलना है, हमें अब इसलिए कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने का जो कारवा है, मिशन मूवमेंट है, ये कुछ लोगों से नहीं होगा। अब ये वन मैन आर्मी वाला काम नहीं रहा, वन मैन आर्मी वाला काम माननीय कांचीराम साहब तक खत्म हो गया, बाबा साहब तक खत्म हो गया, अब सबको काम करना होगा, कलेक्टिवली आपको अपने मिशन मूवमेंट से जुड़ना होगा, क्योंकि आपका कोई अस्तित्व नहीं है, और आपके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जिन जिन लोगों ने काम किया वो लोग अभी इतिहास हो गए हैं। अब जो बना बनाया चीज है वो इस देश का संविधान है, जो संविधान आपको वो अधिकार देता है जो इस देश के धर्मशास्त्रों में नहीं था। धर्मशास्त्रों में पढ़ने लिखने का अधिकार ब्राह्मणों को दिया, कहा वही पढ़ेंगे वही लिखेंगे। धर्मशास्त्रों ने, धर्म ग्रंथों ने, मनुस्मृति ने, वर्ण व्यवस्था ने इस देश के अंदर राजपाट करने का अधिकार आपको नहीं दिया, कहा क्षत्रिय ही जो है वो पढ़ेंगे लिखेंगे थोड़ा बहुत, पढ़ लिखेंगे थोड़ा बहुत, और राजपाट करेंगे, लड़ाई करेंगे, शस्त्र धारण भी करेंगे, आपको नहीं कहा। फिर वर्ण व्यवस्था ने कहा, धर्म ग्रंथों ने कहा कि इस देश के अंदर संपत्ति इकट्ठा करने का जो अधिकार है वो वैश्यों को है, आपको नहीं है, महिलाओं को नहीं है, लेकिन पुरुषों को भी नहीं है,
जो आप अपने आप को एससी एसटी के नाम से जाने जाते हैं, ओबीसी के नाम से जाने, आपको भी अधिकार नहीं दिया। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, राजपाट करने का अधिकार नहीं दिया, शस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं दिया, धन इकट्ठा करने का अधिकार नहीं दिया। फिर आपको जो है अधिकार क्या दिए? तो अधिकार तो वंचित रहा, लेकिन आपको कुछ काम दिया। वो काम क्या दिया कि आपको इस देश के उन सवर्णों की गुलामी करनी है और उसके लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। सवर्णों के घर में मैयत हो गई तो उसकी खबर पहुंचाने का काम इस देश का दलित करेगा। सवर्णों के घर में अगर उसको शौक लगा, उसने कुत्ता पाला, उसको टट्टी ले जाने का काम कौन करेगा? दलित करेगा। उसके बच्चे ने टट्टी कर लिया, उसको साफ करने का काम कौन करेगा? दलित करेगा। उसको शौक लगा, उसने उसने अपने घर में राहु मैना पाला है, उसने तोता पाला है, उसको देखने का, उसको जागने का काम कौन करेगा? दलित करेगा। उसको घर बनाना है, उसको महल बनाने हैं, मिट्टी गीला करने का, भिगोने का, उसको माटी चुनना हम लोग कहते हैं मराठी में, तो माटी चुनने का काम कौन करेगा? दलित करेगा। तो ये आपके लिए काम कौन से बताए जो उनके फायदे के हो। पर फिर भी आपकी तो बिल्डिंग बन गई, फिर भी आप पढ़ लिख गए, फिर भी आप राजपाट में आ गए, आपको एमएलए एमपी के चुनाव के लिए टिकट ऑफर भी होती है, रिजर्वेशन है, लड़ना पड़ता है, आप धन इकट्ठा कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस में आ गए, सारे जो वर्ण व्यवस्था ने दिए थे, तमाम हक अधिकार, जो वर्ण व्यवस्था ने गुलामी और उत्पीड़न के जो अधिकार दिए थे, उन तमाम चीजों को बाबा साहब ने उसकी नसबंदी कर दी। और बाबा साहब ने खबरदार अब तक कर लिया, अब 26 जनवरी 1950 के बाद से खबरदार नहीं करना है, लगाम लगा दी बाबा साहब ने। लेकिन उसके बाद भी इस देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, जिसमें हमारे उत्पीड़न की तादाद बढ़ रही है, और उत्पीड़न की तादाद बढ़ रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर उनको पता चल जाता है कि हाँ फलाने जगह जालौर में ऐसा ऐसा हो गया, हम इधर 75वां आजादी का महोत्सव मना रहे थे, लेकिन कई लोगों को ये खबर कब मिली? जब 15 अगस्त खत्म हो गया, 20 अगस्त तक ये खबर कहाँ बनी? ये सामान्य पेपर की, अखबार की हेडिंग कब बनती है? जब वो मामला आगे बढ़ता है। तो आज भी उत्पीड़न हो रहा है। हम जब लोगों में काम करते हैं तो पढ़े लिखे जो वर्ग है, तमाम लोग पढ़े लिखे हैं, सुज्ञान लोग हैं, तमाम लोग समझ रखते हैं सामाजिक आंदोलन की, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और महिलाएं भी हैं, महिलाओं की तादाद तो बहुत है, महिलाएं भी जो मतलब अपने आप को बहुत वेल एजुकेटेड समझते हैं, जब बात करते हैं हमारे तरह लोग बात करते उत्पीड़न की, अरे क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी कहा हो रहा है, कोई उत्पीड़न नहीं है, हमारी महिलाएं कह रही है कोई उत्पीड़न नहीं है, कहां हो रहा है, कहां रहा जात पात, अब तो कुछ नहीं रहा, सब बराबर हो गए हैं, हमारे बाजू में तो पांडे जी रहते हैं, हमारे बाजू में तो गुप्ता जी रहते हैं, अब कुछ नहीं है, हमें तो वो पूजा में बुलाते, पूजा में तो बुलाएंगे ना, उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, आपको बुद्ध भूलना चाहिए ना, आपके अंदर बुद्ध बुद्ध का जो बुद्ध के आचरण आ रहे हैं, उनको लगता है भूलना चाहिए, बुलाएंगे ना, तो फिर भी हमारी महिला इन चीजों को नहीं समझती, और क्या कहती है, अब कोई जरूरत नहीं है, अब सामाजिक आंदोलन की जरूरत नहीं है, अब कोई उत्पीड़न नहीं होता, अब कोई किसी को नहीं मारता, अब पानी नहीं भरता, अब पानी भरने दिया जाता है, नल घर में आ रहा है, तो अब तो कुएं पे उत्पीड़न का मामला ही रहा। लेकिन क्या ये इनफ है? जब हम अपनी चार दीवारी से बाहर निकलते हैं, और आज की तारीख में मेरी बच्ची 1 साल की हो गई है, सिर्फ 1 साल 2 दिन ज्यादा हुए हैं, उसने इतनी जगह घूमी है, जहां जहां पर भी उत्पीड़न हुआ, जहां जहां हम पहुंचे मेरी बेटी भी पहुंची, तो जिंदगी में मैं जितना नहीं घूमी, या फिर मैंने जितने उत्पीड़न नहीं देखे, उतने उत्पीड़न के मामले वो उसने आज तक देख लिए हैं। तो छोटी सी बच्ची ने उत्पीड़न के मामलों को इतना समझ लिया, तो ये सोचिए कि हम और आप जब वो चार दीवारी के बाहर सोचेंगे, सातबारा से बाहर निकलेंगे, प्लॉट और फ्लैट से बाहर निकलेंगे, पत्तों के रंगों से बाहर निकलेंगे, तो हमें ये समझ आएगा कि देश के अंदर आज हालात क्या है। अभी हम हल्दी कुमकुम में जाते हैं तो हमारे अनुभव ही मैं आपको बता रही हूँ, हमारे साथ कौन होते हैं, तो जो बीजेपी के टिकटों पर जो बीजेपी नेता होते हैं, कांग्रेस के नेता होते हैं, बड़े बड़े जो एकदम हाइटेड होते हैं 5-6 फुट के, उनकी सुंदर सुंदर बीवियां जो कभी बाहर नहीं निकलती थी,
लेकिन रिजर्वेशन की वजह से महिला सीट आ गई, रिजर्व आ गई, तो क्या करना? तो फिर उन्होंने अपनी बीवियों को मैदान में उतारा। आज उनकी महिला है मैदान में आती है, हम सामाजिक आंदोलन वाले लोग अलग बैठते हैं और वो लोग इतना बड़ा बड़ा दो दो तीन तीन मंगलसूत्र पहनकर इतना बड़ा मांग टीका लगाकर बैठे हैं। सूरत रहती है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन वो जो ठोकर आती है अपने साथ, वो जो व्यवस्था को ठोकर आ रही है, गुलामी की व्यवस्था को ठोकर आ रही है, और फिर वो भाषण देते हैं, तो भाषण में कहते हैं कि देखिए मोदी जी ने 3 तलाक पर काम किया और महिला जो मुस्लिम महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा था उस उत्पीड़न को रोका, मुस्लिम महिला को समझना चाहिए। देखिए क्या बताए, इस देश का जो बीज है उसमें किसका सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ? मुस्लिम महिलाओं का हुआ क्या? महिलाओं का हुआ है, लेकिन महिलाओं का हुआ है, लेकिन महिला ही है अब सामने आकर कहें हमारा नहीं हुआ, उनका हुआ है देखो, और कौन दूर कर रहा है? अवतार कुछ दूर कर रहे हैं। साथियों वो लोग जो पर्दे के अंदर घूंघट में रहते थे और फिर खिड़की से ऐसे चाय देते थे, वो महिलाएं हैं वो, और जब बाहर आई तो क्या बता रही है? अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। चार दीवारी में रहने वाली हूं, पटेलों की बीवी को आपने देखा था, गांव से आप लोग भी होंगे, पहले पटेलों को बीवी को देखा था, मैं भी गांव से हूं और मेरा गांव बाजार टोला है, मेरे मुझे सारे पटेलों के नाम मालूम है, ये फलाना पटेल है, वो फलाना पटेल, ये उसका बाप है, ये उसका भाई है, उसका चाचा है, क्योंकि उनके बाड़े बने रहते हैं। लेकिन आज तक मैंने उनकी महिलाओं को नहीं देखा था, मैं आज 30 साल की उम्र की कुंवर हूँ, 30 साल तक मैंने ना उनके घर की बहुओं को देखा, शादी होकर आई है तो शादी में तो भैया मार मांग चमारों को कहाँ बुलाते हैं पटेलों के घर, वो तो गांव में सवर्ण की तरह घूमते हैं, है तो ओबीसी सवर्णों की तरह घूमते हैं, बुलाते नहीं है। वो महिलाएं जो पर्दे से बाहर निकल रही थी, वो बाबा साहब की वजह से बाहर निकल रही है, चुनाव लड़ रही है, जीत कर आ रही है, और जीतने के बाद वो अपनी व्यवस्था को मजबूत कर रही है। हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी, हम भी अगर राजपाट के लिए उतरेंगे तो क्या हम भी उनकी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करेंगे? अगर हम सामाजिक आंदोलन में आएंगे तो हम भी क्या हल्दी कुमकुम जैसे त्योहारों को प्रोपोगेट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे? तो क्या करेंगे? फिर कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे हमारी महिलाएं? कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? हमको क्या करना है? ये लोग जो करें, क्योंकि तो सेटलमेंट भी तो करना पड़ेगा, गाँव में रहना है, समाज में रहना है, फिर पीटी पार्टियों के साथ में जाना है, फिर ड्रेसिंग भी मैच करना है, फिर तो शॉपिंग भी साथ में करना है, तो फिर मैच भी तो करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड उनके साथ रहेंगे, उनके साथ रहेंगे तो फिर वो जैसा सोचते हैं वैसा सोचना भी पड़ेगा कि नहीं उत्पीड़न कहाँ होता है, कुछ भी बता रहे हैं उसने, बस आ जाती बताते रहती, कहाँ उत्पीड़न हो रहा है, कहाँ कहाँ जरूरत है, अभी सब सही हो गया, पहले जैसा कुछ नहीं था। लेकिन गांव में दूर दराज में आप देखिए, छत्तीसगढ़ में भी आपके आप तमाम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर कैसे उत्पीड़न होता है, आदिवासी महिलाओं को कपड़े पहनने की सूट नहीं आज की तारीख में भी। आज हमने आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन आज अभी भी आदिवासी महिलाओं को कपड़े पहनने की अकल नहीं है। हमको क्यों आई? बाबा साहब ने साड़ी पहनना सिखाया, जब 14 अक्टूबर को बाबा साहब दीक्षा लेने आए तो उसके पहले दिन बाबा साहब ने बड़ी सभा ली और वहां पर एक ब्राह्मण महिला को बुलाया, जैसे तुम साड़ी पहनती हो इनको भी साड़ी पहनाना सिखाओ। हमारे बाप ने हमको कपड़े पहनाना सिखाया, लेकिन अब उनका क्या जो आज की तारीख में भी मुख्य धारा में नहीं आए, जिनको कपड़े पहनने की सूझ नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है? साथियों इसको हमें लेना चाहिए। जैसे मुझे लगा कि इस देश का मीडिया काम नहीं कर रहा है तो हम अपना मीडिया बना ले, तो हम कम साधन संसाधन में चलो अपनी खबरें चला रहे हैं, फलाने जगह बहुजन समाज का ये आंदोलन हो गया, फलाने जगह बहुजन समाज का ये काम हो गया, फलाने जगह ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए ओबीसी सड़क पर निकला, फलाने जगह आदिवासी के लिए ऐसा हो गया, हरदेव जंगल के लिए कई हजारों आदिवासियों को बेघर कर दिया। इन खबरों को कैसे चलाया जाता है? आदिवासियों ने गोली चलाई पुलिस पर, आदिवासियों ने पत्थरबाजी की, इस प्रकार की खबरें चलाते हैं। जब हमने आपके छत्तीसगढ़ की खबर देखी, हसदेव जंगल का मामला है, कांग्रेस की सरकार है आपके यहाँ,
और जब हमने देखा तो कांग्रेस सरकार के मैनिपुलेटेड अखबार क्या खबर चला रहे हैं कि आदिवासी महिलाओं की तरफ से पहले पत्थरबाजी हुई, उनके बच्चों को मारा, उनके बच्चों को घसीटा, उनकी महिलाओं के साथ बदसलूकी किया कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस प्रशासन ने और कांग्रेस के ही तमाम फौज ने वहां पर। लेकिन बताया क्या कि आदिवासी महिलाओं ने पहले पत्थरबाजी की हसदेव जंगल मामले में और आदिवासियों ने जो है वो हिंसा की शुरुआत की। और जब हम बात करें तो हमको समझ आया, जब हमने पढ़ना शुरू किया फेसबुक पे, जब हमने पन्ने खोले तो कुछ लोग जो है वो उन्होंने लिखना शुरू किया कि आदिवासी महिलाओं के साथ पुलिस ने गलत बर्ताव किया, घसीटा, खींच के निकाला, गाड़ियां जला दी, बच्चों को पीटा, पुरुषों को पीटा। तो ऐसे मैनिपुलेट होते हैं तो हमको लगा हम अपनी जिम्मेदारी संभाल लेते हैं, तो हम आपको भी संभालना पड़ेगा। जो महिलाएं मुख्य धारा में नहीं आई, जो महिलाएं आज भी कर्मकांड में है, हम सुधर गई, हमारा रहने का तरीका बदल गया, हमने हिंदू धर्म के सारे रीति रिवाज और परंपराओं को और आर्मामेंट्स को भी छोड़ दिया। लेकिन जिन लोगों ने नहीं छोड़ा उनके लिए प्रबोधन करना होगा, और इसीलिए हमको हमारी प्रबोधन की धारा रही प्रजापति गौतमी से लेकर यशोधरा से लेकर आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो मायावती तक तमाम लोगों ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाया और सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार हुए तमाम लोग, और हमारा भी योगदान इस चीजों में लगना चाहिए। क्योंकि हम आज जिन बच्चों को जन्म आपने दिया है, आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे जो है वो कुछ ना कुछ बने भविष्य में, लग रहा है सबको यही चिंता है। एक बार शादी हो गई तो चिंता अपनी नहीं, अपने बच्चों की ही करते हैं कि मेरा बच्चा क्या बनेगा, मेरे बच्चे को क्या पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, क्या पहनेगा, क्या पहनेगी, कैसे दिखेगी, कैसे रहेगी, बच्चों को तमाम चीजों की चिंता हमको सताती है, आपको भी सताती होगी क्योंकि आप मैं जिस दौर से जा रही हूँ आप तमाम लोग उसे जा चुके हैं। तो जब हम देखते हैं तो जब इस देश का वातावरण दूषित है, आपको शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, शिक्षा के अधिकार जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन का नारा लगाया जाता है लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं की जाती, उस देश में आपका बच्चा पढ़ने वाला है। अब जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो क्या करेगा, वो एजुकेशन को खरीदेगा, एजुकेशन को अब खरीदना पड़ेगा, पैसा जिसके पास होगा उसको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि चार प्रकार के यहाँ पर एजुकेशन है। आप कहाँ पढ़ा सकते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, जिनके पास उससे थोड़ा ज्यादा होगा तो कॉन्वेंट में पढ़ाएगा, फिर सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाएगा, और जिसके पास तो और थोड़ा ज्यादा होगा तो सीबीएसई पैटर्न से सीधा सीबीएसई में पढ़ाएगा, एनसीईआरटी पढ़ाएगा, और अगर उसके पास और थोड़ा ज्यादा पैसा होगा तो वो और जो है वो ऑक्सफोर्ड की जो आई हुई जो नया सिलेबस है, जो पोदार जैसे इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ाया जाता है वैसे स्कूल में पढ़ाएगा, सेंट जेवियर जैसे स्कूल में पढ़ाएगा, और अगर और भी ज्यादा है तो वो आईसीएसई में पढ़ाएगा। तो इस प्रकार से एजुकेशन को खरीदने का मामला चल रहा है। बच्चों को आपने जन्म दिया, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बाबा साहब की तरह बने, लेकिन बाबा साहब की तरह बनने के लिए उस तो जो चीजें लगती हैं तो उसको तो बाहर भी जाना पड़ेगा पढ़ने लिखने के लिए। अगर हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और सरकारी स्कूलों को ताला लगाने का बड़ा एजेंडा इस देश की केंद्र सरकारों ने और राज्य सरकारों ने लगा दिया है तो उनका एजेंडा यही है कि स्कूलें फटाफट बंद हो जाए, सरकारी स्कूलें फटाफट बंद हो जाए ताकि मास्टरों को पेमेंट ना देना पड़े। मास्टर बनने वाले सबसे ज्यादा जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग हैं, स्कूल के मास्टर की बात कर रही हूँ, प्रोफेसर जो है मतलब यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर है वहां पर पांडे गुप्ता लोग हैं, वहां मिश्राम खुबरागड़े नहीं है, तो ये जो गेड़ा मास्टर पेकाम मास्टर ये लोग कहाँ मिल रहे हैं, पटेल मास्टर ये हमको सरकारी स्कूल में मिल रहे हैं, इनकी जिंदगी भी सुधरी और हमारे बच्चे भी जो निकले थे हम भी खुद सरकारी स्कूल से निकले तो हम भी कुछ ना कुछ बन गए। लेकिन आज की तारीख में उसको ताला लगाने का काम चल रहा है तो मास्टर नहीं हो, बच्चे नहीं हो, हालात खराब हो, स्कूल टूटी फूटी हो, इनका कारण देकर पटसंख्या का नाम देकर स्कूलें बंद हो रही हैं, तो आप अपने बच्चों को
कैसे जिंदा रखेंगे, या फिर अगर आपकी मानसिकता अगर इस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाने की नहीं होगी तो आपके बच्चे के लिए क्या बचेगा। आज के बाद अभी 10 साल और देख लो, 20 साल और देख लो, और सामाजिक आंदोलन में अगर हम सहभागिता नहीं देते तो हमारे बच्चे की हालात क्या होंगे, ये हमको सोचना पड़ेगा। और जिनके पास पैसा है वो कहां तक पढ़ाएगा, क्योंकि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हमारा मूवमेंट कहता है कि मुफ्त में पढ़ाई मिलनी चाहिए, पढ़ने लिखने पर किसी की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनु ने कहा था कि पाबंदी है, पढ़ने लिखने का काम एक ही वर्ग करेगा, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन इसको खुला करने का काम सावित्रीबाई फुले ने किया, फातिमा ने किया, और महात्मा ज्योतिराव फुले ने किया, और उसको कानूनी तौर पर बाबा साहब ने लागू किया। लेकिन लागू करने के बाद भी जिन जिन लोगों ने यहाँ सरकार बनाई उन्होंने उनको ताला लगा दिया, पढ़ाई को ताला लगाना है तो बात तो वही है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो पढ़ाएगा। तो कितने सेंट्रल कास्ट, कितने सेंट्रल ट्राइब के लोगों के पास इतना पैसा है कि वो अपने बच्चों को पैसा खर्चा करके 10वीं के बाद 12वीं के बाद ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाकर फॉरेन भेज सके, जहाँ बाबा साहब पढ़ते हैं। है क्षमता है, नहीं है, कॉन्वेंट तक क्षमता है, 10वीं तक क्षमता है, लेकिन एजुकेशन का मूवमेंट जो है, जिस एजुकेशनल मूवमेंट को शुरू किया था वो एजुकेशनल मूवमेंट को कोलैप्स करने का काम यहाँ पर षड्यंत्र के माध्यम से बड़ी कॉन्फ्रेंसी करके देश की सरकारें कर रही है। तो इसमें महिलाओं की भागीदारी अगर नहीं होगी तो हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने वाली है, ये लिख कर ले लो। मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपकी तरह, हमारी तरह, एक मेरी तरह ही एक ना हो। वन मैन आर्मी वाला ये काम नहीं है, मैं भी कुछ नहीं संभाल सकती, मेरा ही भीगर रोजी रोटी की समस्या चल रही है। मैं तो वो संभाल कर, घर परिवार को संभाल कर मुझे लगता है कि चलो व्यवस्था बता दो कि व्यवस्था इतनी खराब है, इस व्यवस्था को तमाचा मारने के लिए तो एक दो लोग काफी नहीं है, 10 लोग भी काफी नहीं है, बीमारी भी काफी सालों से काम कर रही है, और हम जिनके छत्र छाया में पले बड़े उषा राय की वो सिस्टर है, तो उषा राय की भी उनका हमारे ऊपर प्रभाव रहा, वो लोग काम कर रही है लगातार सालों से काम कर रही है, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए महिलाएं कब तक काम करेंगी, तो और भी लोग चाहिए और महिलाएं ही चाहिए। इस देश के अंदर अगर 130 करोड़ लोग हैं तो 130 करोड़ में 50% तो महिलाएं हैं। जब वोटिंग करने का समय आता है तो वोटिंग करने में तो पुरुष थोड़ी करता है, महिलाएं भी करती हैं। तो जब हमको भी सरकार बनानी है, हमको भी भागीदारी देश के अंदर देनी गिरानी है, तो हमको उसके लिए तो उसके पीछे जो नॉन पॉलिटिकल चीजें होती है, जो सामाजिक आंदोलन होते हैं, जो सेल्फ मूवमेंट होते हैं, उसमें हमको हिस्सा लेना पड़ेगा। और उसमें अगर हमने हिस्सा नहीं लिया तो कल की तारीख में आप तो चले जाएंगे, तस्वीर रहेगी आपकी, हम तो चले जाएंगे, हमारी तस्वीर रहेगी। फिर बच्चों को पूछा जाएगा, अरे तुम्हारी माँ, ये तुम्हारी माँ है, अरे क्या मेरी माँ है, बाबा साहब ने अच्छा खासा संविधान दिया था, सारा संविधान खत्म हो गया, तेरी माँ ने कुछ किया ही नहीं, ऐसे बोलेंगे क्या, बोलेगा अच्छा। अब अंदर रखना आप तस्वीर, क्योंकि कोई भी पूछता है तुम्हारी माँ है, हाँ माँ है, कुछ आंदोलन के लिए काम नहीं किया, तभी तो इस देश के अंदर गुलामी आई है, संविधान खत्म हो गया। चाहते हैं आपके बच्चे ऐसा बोले, नहीं चाहते, कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे फख्र से कहे कि इस देश के अंदर सामाजिक आंदोलन जब चल रहे थे तो हमारी माँ भी जो है सामाजिक आंदोलन में हिस्सा बन रही थी, वो जाती थी, लोगों को समझाती थी कि इस देश के अंदर कैसी कॉन्फ्रेंसी कर रही है, किस प्रकार से बच्चों को, एक तरफ बच्चों को पंचर बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, पकौड़ा तलने की एडवाइस दी जा रही है, और दूसरी तरफ मेरी माँ ये कॉन्फ्रेंसी बहुजन समाज को समझा रही थी कि ये गलत चीज है, पंचर बनाना काम नहीं है, ई रिक्शा चलाना काम नहीं है, ये मेरी माँ समाज को समझा रही थी। अपने बच्चों को पंचर बनाना ना सिखाओ, अपने बच्चों को पंचर बनाना ना सिखाओ, पकौड़े तलना ना सिखाओ, अपने बच्चों को अफसर बनाना सिखाओ, ये बताने का काम मेरी माँ भी करती थी। तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे फख्र से कहें, और इसीलिए महिलाओं का इन आंदोलनों में भाग लेना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा अगर इस देश के अंदर कोई प्रताड़ित हुआ है तो महिलाएं हुई है, चाहे वो सवर्णों की घर की रहे या फिर दलितों के घर की रहे,
और महिलाएं प्रताड़ित हुई और महिलाओं को इस प्रताड़ना से बाहर निकालने के लिए जो जो एसेट्स काम लगे हैं और जो जो महापुरुष लगे हैं उन तमाम चीजों को की प्रेरणा लेकर हमको इस आंदोलन में आना पड़ेगा, हमको सामाजिक मूवमेंट में आना पड़ेगा, धार्मिक आंदोलनों को हमको अपने हाथों में लेना पड़ेगा। आप देखिए आज की तारीख में भिक्षु संघ है, भिक्षुणी संघ भी है, लेकिन हम प्रेफर क्या करते हैं, हम क्या प्रेफर करते हैं बंटे जी, क्योंकि महिला भिक्षु हमको मिल ही नहीं रही क्योंकि संख्या कम है, संख्या कम है। तो आध्यात्मिक क्रांति की तरफ हमारी महिलाओं को कोई योगदान, हम उपासिका बनना चाहते हैं, हम उपासिका बनना चाहते हैं लेकिन उस कमान को संभालना नहीं चाहते, हम उपासिका बनना चाहते हैं लेकिन उस कमान को नहीं संभालना चाहते, हमको उसी क्षेत्र में भी आना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि मेरी बहू मेरा नहीं करती, यार मेरे पैर नहीं दबाती, अब मैंने जीवन ले लेना चाहिए, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के असेट्स में मेरा भी योगदान हो, इसलिए क्योंकि वहां पर हम संन्यास लेकर आ रहे हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं कि घर में बड़ी दिक्कत है, बहू पैर नहीं दबाती, बहू चाय नहीं देती, बहू खाना नहीं, इसके लिए नहीं। हमारा मकसद जो है वो बहुत ही गहरा होना चाहिए कि हम समाज को कुछ दे रहे हैं, हम इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। हम भी ऊषा दाई बौद्ध से दाई उनसे प्रेरणा लेकर हम भी जो है वो जो 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए हम लोग भी शामिल बने। देखो वो जीवन जीकर बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, ऐसे बात ना करो, ऐसे बात ना करो, ढंग से बात करो, ढंग से बैठो, ढंग से खाना, ये क्या गलत है, सही है, लेकिन हमको क्या है बिंदास वाला काम है, हमको सीधा अच्छे से काम, सब कुछ ठीक नहीं चाहिए, सब कुछ सही नहीं चाहिए, हमको क्वालिटी नहीं चाहिए, हमको कैसा भी चाहिए, और इसीलिए हम लोग इन चीजों से बच रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक क्रांति के लिए अभी आपके जैसे ही हमने हम यही थे, कहाँ थे, ये भिलाई में थे जब आ रहे थे, तो एक साध्वी चित्ररेखा, चित्ररेखा उनके बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे, होर्डिंग्स लगे हुए थे और बड़ा प्रोग्राम और वो झंडे भी लगे हुए थे, भगवान भगवे झंडे लगे हुए थे। और फिर हम लोग बात कर रहे थे गाड़ी में, जया किशोरी सरस्वती ये लोग अपने धर्म को, धर्म अच्छा है क्या, जिस धर्म ने कहा कि महिला नरक का द्वार है उस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग लगातार काम कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, उसी जिसमें उनकी कोई जगह नहीं है, उनको जब वो अपने शास्त्रों को धर्म ग्रंथों को ढूंढेंगे और पता करेंगे अरे यार ये क्या लिख दिया मेरे लिए, और बड़े बड़े कथावाचक हैं लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, उनका क्या मानना है कि यही धर्मशास्त्र है हमारे, ये अटल है और इसी पर हमको काम कर, इसी को आगे बढ़ाना होगा, भले उसके लिए मुझे वो गुलाम क्यों ना करे, ताड़ना के अधिकारी क्यों ना कहे, पीटने के लायक क्यों ना समझे, लेकिन मुझे वही काम करना है, मुझे आजादी, मुझे स्वतंत्र नहीं मिलना चाहिए ये बात करे, लेकिन वो लोग वही काम कर रहे हैं। हमारा क्या है, हमारे लिए तो समता मूलक समाज का निर्माण करना आजाद ख्याली बात, बुद्धा ने कही कि महिला गुलाम नहीं रहनी चाहिए, महिला ने बच्चों को गुलाम नहीं बनाना चाहिए, ये बात, ये कल्चर हमारा है, तो हमारा कल्चर तो और भी अच्छा है, तो इसको बढ़ाने के लिए हमें, इसको बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना पड़ेगा। राजनीतिक मिशन मूवमेंट की अगर हम बात करें, राजनीति की बात करें, तो राजनीति में हमारी महिलाएं जाती है तो उनकी तरह बनती है, अग्रवाल जैनों की बीवियों की तरह बनती है और बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करती है। पॉलिटिकल मूवमेंट में हमको अगर आना है तो अपने महापुरुषों से सीखो, हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर जब उनको पहली बार कानून मंत्री, आजाद भारत में पहली बार जब उन्हें मौका मिला और उन्हें कानून मंत्री बनाया गया तो उन्होंने उनको काम ही नहीं करने दिया, कांग्रेस ने काम ही नहीं करने दिया, बाबा साहब लगातार इंतजार कर रहे थे क्योंकि बाबा साहब का और पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस बात पर चर्चा हुई थी कि बाबा साहब को कैली कमीशन का काम देंगे, क्योंकि बाबा साहब ब्रिटिश गवर्नमेंट में कई खाते संभालते थे, बाबा साहब कई खातों के मंत्री थे, बाबा साहब का जो क्षेत्र नहीं था उन क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, वो सिविल इंजीनियर तो थे नहीं लेकिन उन्होंने बांध बनाया,
बाबा साहब ऊर्जा मिनिस्टर, वो इंजीनियर नहीं थे फिर भी वो ऊर्जा मंत्री रहे। उन्होंने बिजली विभाग संभाला, मजदूर विभाग संभाला, और ये तमाम चीजें कांग्रेस के नेता जानते थे, सरदार वल्लभभाई पटेल जानते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जानते थे, लेकिन बाबा साहब को जब कानून मंत्री बनाने का मौका आया तो बाबा साहब को उन्होंने काम नहीं दिया और प्लानिंग कमीशन में भी नहीं दिया। फिर बाबा साहब का दो ही उद्देश्य रह गए थे, एक उद्देश्य रहा कि देश के ओबीसी को जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ओबीसी का आइडेंटिफिकेशन करने वाला जो काम रहा, क्योंकि ओबीसी खुद विरोध कर रहा था कि हमको कुछ ना दो, हम पटेल लोग हैं, हम जमींदार लोग हैं, तो ओबीसी का मामला पेंडिंग रहा था और दूसरा मामला महिलाओं का रह गया था। तो बाबा साहब लगातार 2 साल से एक विषय पर काम कर रहे थे, महिलाओं पर, क्योंकि सामाजिक तौर पर वो महिलाओं के साथ जुड़ाव बना रहा था, बन रहा था, और महिलाओं की समस्याओं को बाबा साहब समझ रहे थे और महिलाओं की कई सभा सम्मेलन लेते थे, महिलाओं को अधिवेशन और नेतृत्व करने का मौका बाबा साहब देते थे, जिसके खुद वो कार्यक्रम के अध्यक्ष रहते थे और वो महिलाओं की लीडरशिप को देख रहे थे। तो बाबा साहब को लगा कि मुझे हिंदू पोर्टल पर ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित महिलाएं थी और महिलाएं प्रताड़ित की रही है क्योंकि हिंदू धर्म की वजह से। तो बाबा साहब को लगा ये हिंदू धर्म का जो पीनल कोड है, इस पीनल कोड में चेंजेस चाहिए, हिंदू पीनल कोड में चेंजेस चाहिए, क्योंकि महिलाओं प्रताड़ित इसी पीनल कोड ने किया। तो उन्होंने हिंदू कोड बिल के करके उन्होंने नया कानून लाने की बात की। तो जैसे ही बाबा साहब ने चर्चा की पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, उनके उस समय में वो प्रधानमंत्री थे और कानून मंत्री, बात कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए काम करना होगा क्योंकि देश की प्रगति तभी होगी क्योंकि 50% तो महिला है, और 50% अगर महिलाएं पीड़ित है, समस्याग्रस्त रहेंगी, तो देश कहां से तरक्की करेगा। मतलब 100 लोग हैं और 100 लोगों में से 50 कमजोर और 50 मजबूत है, तो कहां से तरक्की बनेगी इसको। मतलब हम अगर मोटा मोटी रेशियो चाहिए तो कम से कम 95-96 तो लोग सशक्त हो, 2-4 को छोड़ देते हैं, लेकिन 50% महिलाएं पीड़ित हैं, 50% पुरुष, इनको मौका है। तो बाबा साहब ने कहा इस पर काम करना होगा, तो उसको कई दिनों तक टालने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। कांग्रेस के अधिवेशन में सीधा उन्होंने ये बात रखी कि बाबा साहब ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तो कांग्रेस में एक प्रस्ताव पारित हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए हिंदू कोड बिल पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने अपनी इंटरनल बैठक में ये डिसाइड किया और इसकी जिम्मेदारी जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी। क्या जिम्मेदारी दी? सदन में हिंदू कोड बिल पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, हिंदू कोड बिल पर बात नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है, और अगर इस पर चर्चा होती है, अम्बेडकर रुकेंगे नहीं, तो क्या करना है? तो टाइम पास करना है। क्या करना है? टाइम पास करना है, खींचना है, विरोध करना है, बोलने नहीं देना है। ये कहां हुआ? कांग्रेस के विशिष्ट सभा में डिसाइड हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, और फिर जब बाबा साहब सदन में पहुंचे और जैसे हिंदू कोटी पर बात करना शुरू किया या फिर उसको छेड़ना शुरू किया, उन्होंने टाइम पास करना शुरू किया, घंटों घंटों बातों में ये वेस्ट करते थे। बाबा साहब कहते हैं कि ये पहली सबसे बड़ी चर्चा जो है एक मुद्दे पर घंटों चर्चा करने वाला विषय अगर कोई रहा तो वो हिंदू कोटी रहा। और कई बार बाबा साहब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझाते कि महिलाओं का उत्थान कितना जरूरी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हाँ करता। बाबा साहब की पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ दोस्ती थी क्योंकि वो राजनीतिक लोग थे। इतना ही नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आपने सुना होगा, जो कि पहले उन्होंने जनसंघ बनाया, फिर आरएसएस बनाया और फिर बीजेपी, उन्हीं की देन है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब गांधी जी को गोली लगी तो उसको लगा मुझे अरेस्ट करेंगे क्योंकि उनको गोली मारने वाले जो लोग हैं वो उनके संगठन के लोग हैं, तमाम लोग जानते हैं रत्तूराम गोडसे कौन से संगठन का है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लगा मुझे भी फायर करेंगे, मुझे भी मार देंगे, क्योंकि गांधी जी के मौत से रोष निर्माण हो गया, तो मार देंगे। तो कहां गए जान बचाने के लिए? बाबा साहब के घर फोन किया, मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कोई भी अगर दरवाजे पर आता है तो मुझे लगता है कोई मुझे गोली मार देगा। तो बाबा साहब ने कहा ऐसा करो मेरे घर आ जाओ।
रात देर रात को श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपनी जान बचाने के लिए कहां आते हैं? बाबा साहब के घर आते हैं। बाबा साहब के घर आते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन वही जब हिंदू कोटि की बात आती है तो वो व्यंग करते हैं सदन में। इमेजिन करो, किसी की जान बचाने का काम आप कर रहे हैं और जब आपको जरूरत है बहुमत की तो वो आप पर व्यंग कर रहा है, हंस रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने व्यंग कहा किया और क्या कैसे कैसे कमेंट किया। अम्बेडकर, क्या तुम मनु अम्बेडकर बनना चाहते हो? सदन में कैसी बातें होनी चाहिए, जान बचाने के बाद भी एहसान फरामोश इस देश का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाबा साहब को हिंदू कोड बिल पास नहीं करने देगा। इतना ही नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माँ अपने नेतृत्व में महिलाओं का संगठन लेकर बाबा साहब के घर जाती है। हमारे धर्म को छेड़ना नहीं, ये ईश्वर निर्मित है, मोहन भागवत कह रहा है, ये नहीं पंडितों ने बनाया। हमने देखो, खुद ही जवाब दे रहे, खुद ही जवाब दे रहे। जब सवाल उन्होंने कहा पूछा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माँ ने कहा कि ये ईश्वर निर्मित है, हमारे धर्म ग्रंथ ईश्वर निर्मित है, महिलाओं के लिए जो चौकट बनाई गई है, महिलाओं को जो शिक्षा से वंचित किया गया है, महिलाओं को हक अधिकार नहीं दिया गया है, वो सब ईश्वर निर्मित है, तू नहीं छेड़ना अम्बेडकर। लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आरएसएस के प्रमुख, वो कह रहे हैं कि ये ईश्वर निर्मित नहीं है, ये पंडितों ने बनाया। अब तुम ही देखो, तुम अपना संभाल करो। हम तो कई दिनों से बता रहे हैं कि ब्राह्मणों ने बनाया, ब्राह्मणों ने जातियां बनाई, ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथ बनाया, ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व के लिए हमें इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाया। हम तो कई सालों से बता रहे हैं, हम वही बता रहे हैं कि हमने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। तो इस प्रकार बाबा साहब का विरोध किया। मदन मोहन मालवीय का नाम आप जानते होंगे, उन्होंने बाबा साहब का कड़ा विरोध किया हिंदू कोड बिल पर। तो हम जब किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़ते हैं तो उसको उसका भी थोड़ा बहुत जो आला पिछला है उसको भी समझ ले, क्योंकि हमारे लोगों को लगता है बीजेपी बड़ी खराब है, बस निपटाती होगी, बीजेपी बड़ी खराब है, कांग्रेस अच्छी होगी। तो देख लो अपना इतिहास, रिजर्वेशन के नाम पर, महिला रिजर्वेशन के नाम पर कांग्रेस ने काफी तारीफ बटोरी कि हमने रिजर्वेशन महिलाओं को दिया, सार्वजनिक ये जो शिक्षा सॉरी अमेरिका के गांव में जो चुनाव होते हैं सारी पंचायत में हमने रिजर्वेशन दिया, ये बताते हैं और बटोर रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। तो इस देश के अंदर उन्होंने विरोध किया, बाबा साहब को पास नहीं होने दिया, बाबा साहब की तरफ से हिंदू कोड बिल को पास नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि हिंदू कोड बिल का ये कहना था कि महिलाओं को उनका स्वतंत्र जीवन है, तो उनको अपना जीवन जीने का मौका मिलना चाहिए, उनको पढ़ने लिखने का मौका मिलना चाहिए, उनको नौकरी करने का मौका मिलना चाहिए। अगर वो नौकरी करती है और शादीशुदा है, उसको बच्चा हो रहा है, तो उसको लीव भी मिलनी चाहिए, उसका भी पेमेंट मिलना चाहिए, उसको मेडिकल लीव मिलनी चाहिए, उसको उसको अगर उसके पति ने छोड़ दिया तो पति की तरफ से उसका उसको जीवन यापन करने के लिए आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, बाप की प्रॉपर्टी में और बेटे के बाप की प्रॉपर्टी में और पति के प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। नहीं तो धर्म क्या कहते हैं, अगर पति मर गया तो प्रॉपर्टी में हिस्सा किसको मिलेगा? बेटा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। ये देश की व्यवस्था कहती है। लेकिन बाबा साहब ने उन्हें दत्तक लेने का, बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया, नौकरी करने का अधिकार दिया, बाप के साथ पर नाम चढ़ाने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। और हमको हर मुकाम पर, हम हवाई जहाज चलाने की बात करते हैं, हम पत्रकार बनने की अगर हम बात करते, ये तमाम मौके बाबा साहब ने दिए। लेकिन इस देश की व्यवस्था को मजबूत करने वाले पॉलिटिकल एजेंडे ने भी, चाहे फिर वो कांग्रेस हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने नहीं दिया। लेकिन हम अगर हम राजनीति में काम करते हैं तो हम बीजेपी कांग्रेस की महिलाओं की तरह ही अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमको अपने सामाजिक आंदोलन की जड़ों को नहीं भूलना है, हमको हमारी सामाजिक आंदोलन की जड़ों को याद रखकर हर हाल में, हर क्षेत्र में, अगर आप जाती है बिजनेस सेक्टर में जा रही है, नौकरियों में जा रही है, हर क्षेत्र में यूनियन बनता है, हर क्षेत्र में संगठन बनता है, हर क्षेत्र में ग्रुप बनता है,
उन जगहों पर हमें सामाजिक प्रबोधन का काम करना पड़ेगा, विमर्श करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कहेंगे कि देश के अंदर खुले शाहू बाबा साहब ने बड़ा कठिन परिश्रम करके व्यवस्था को सुधार दिया था, मनु की व्यवस्था को तहस नहस करके संवैधानिक व्यवस्था दे दी थी, वोट का अधिकार भी दे दिया था, चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया था, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एमएलए एमपी बनने का अधिकार दे दिया था, राष्ट्रपति तक बन गए थे। लेकिन देश के अंदर फिर मनुस्मृति आ गई क्योंकि संविधान को खत्म करने की बात लगातार इस देश के अंदर सरकारों के माध्यम से, सरकारी सरकार के लोगों के माध्यम से, सरकार के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, आरएसएस बीजेपी और कांग्रेस के माध्यम से होता रहा। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, संविधान को लागू नहीं होने दिया और सरकार बदलने के बाद बीजेपी आती है और उनके मंत्री आते हैं और सरकार मिस किया है ताकि संविधान बदल सके। और संविधान जब बदलेगा तभी देश में हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि संविधान कहता है कि समता मूलक समाज का निर्माण होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको नौकरी करने का अधिकार है, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है और इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व स्थापित होना चाहिए, जो बुद्धा ने दिया। साथियों, आप तमाम लोग मेरी बात के महत्व को समझेंगे, हमारी जो तड़प है उसको समझेंगे, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं और अपनी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को निभाते हैं तो इस देश में सामाजिक आंदोलन मजबूत होगा। और अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम एहसान फरामोश लोगों में हमारा नाम शामिल होगा, क्योंकि हम पर सबसे ज्यादा एहसान जिस पूरे शाहू बाबा साहब और बुद्धा के है, उस एहसान को अगर हम नहीं समझ पाए और रिपीटेशन नहीं किया, उन चीजों का फॉलोअप नहीं किया और हमारे आने वाली बात की पीढ़ी को अगर वो ट्रांसफर नहीं हुआ, तो साथियों हमसे बड़ा एहसान फरामोश और हमसे बड़ा नालायक कोई और नहीं होगा। इन बातों को आप समझेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।